में जानेंगे। उसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, तो गौर से सुनिएगा। महाराष्ट्र का इतिहास बहुत समृद्ध है और कुछ महान शासकों ने यहाँ राज किया है। उनके नाम की सांस्कृतिक विरासत के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र का अस्तित्व 3री सदी से है और यह उद्योग, वाणिज्यिक लेन देन और व्यापार का केंद्र था। शुरुआत में यहाँ वक्तकाओं का राज था, जो बहुत महान लड़ाके थे। उन्होंने राज्य का नाम बदलकर दंडकारण्य रखा, जिसका अर्थ जंगल पर राज करने वाले राजा से था। उन्हें बाद में यादवों ने हराया, जिन्होंने यहाँ कुछ साल राज किया। यादवों का शासन सन 1296 में मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ हमला करने पर खत्म हो गया। खिलजी के बाद यहाँ मुस्लिम शासकों मोहम्मद बिन तुगलक और बीजापुर के बहमनी सुल्तानों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद शिवाजी महाराज की देखरेख में मराठा आए, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और सन 1674 में महाराष्ट्र के राजा बने। उनके बाद महाराष्ट्र पेशवा राजवंश के अधीन हो गया, जो कई युद्धों के बाद इसे अंग्रेजों के हाथों गवा बैठे। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद कई रियासतों ने मिलकर महाराष्ट्र का गठन किया और सन 1960 में बंबई पुनर्गठन अधिनियम के तहत महाराष्ट्र का आधिकारिक रूप से भारत सरकार का अलग राज्य घोषित किया गया। मैं आशा करती हूँ कि आपने मेरे द्वारा दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना होगा और अब बारी है प्रश्नों की। तो मेरा पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र